अरे भाई तुमको जोरू का गुलाम बोलना है तो बोल लेना, पर मैं तो उसको सर पे बैठा के रखूंगा जो मेरे लिए अपना घर छोड़ के आएगी। हमारा अपना भी एक रुतबा है जनाब कि आप कोई भी हो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिल से खेलते हैं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिल से खेलते हैं। और हम क्या है, हम तो सिंगल है, सिर्फ फ्री फायर खेलते हैं। आई एम गेमर रोजिस्टर। क्या भाई लोग अपने भाई को यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं करोगे? क्या करूँ मैं, लोकेश गेमर जैसा करोड़ों की डायमंड पॉप अप करके आप लोगों को दिखाऊं तब सपोर्ट करोगे मुझे? सॉरी यार, गांव से हूँ ना, मेरा बाबा इतना भी अमीर नहीं है कि मैं दिन में 2-3 लाख का डायमंड टॉप अप करके आप लोगों को दिखा पाऊँ। या तो मैं ज्ञान सुजन जैसा माँ बहन की गाली निकालूँ वीडियो में तब करोगे सपोर्ट? सॉरी यार, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हो ना? क्यों यार, गाँव से हो इसलिए गवार सोचते हो ना? दिन में एक ही तो वीडियो अपलोड कर पाता हूँ ना, इसलिए गवार सोचते हो। क्या करूँ यार, दिन में 1.5 GB मिलता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। अभी आप लोगों को सपोर्ट करना है नहीं करना है गाइस, वो आप लोगों की मर्जी। यार छोड़ो यार, आप लोग तो कहाँ करोगे। कहती मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कौन मिलेगा, मेरे जाने के बाद तो तुम मर ही जाओगे। मैंने कहा तेरी इस बात से दिल बहुत शर्मिंदा है, तू भूल गई क्या मेरी माँ अभी जिंदा है। मेरी जो भी हूँ अपने दम पे हूँ, अपनी हैसियत खुद बनाई है, दिन रात की है मेहनत मैंने, ये इज्जत किसी की चाट के नहीं कमाई। तेरा शिकारी तो हम भी हैं, मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। भाई ठीक है, कस्टम चैलेंज कर रहे हो बहुत सही है, बट यार हारने के बाद ऑफलाइन क्यों हो जाते हो? सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया है कुछ कमाया कर, सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया है कुछ कमाया कर, बस माँ बोलती है बड़ा कमजोर है कुछ खाया कर। अपना तो एक ही उसूल है, जो जले उसे और जलाओ, और जो ज्यादा बोले उसे हवेली पे बुलाओ। मैंने जैसे ही एक वीडियो अपलोड किया, एक पबजी वाले नल्ले का कमेंट आया कि वो बोल रहा है फ्री फायर कार्टून गेम है। बेटा बात ऐसी है ना, कार्टून तो बच्चे देखते हैं, इसीलिए बच्चों को हर एक चीज कार्टून ही नजर आता है, यहाँ तक कि तुम्हारी पबजी को भी अल्ट्रा कार्टून लगता है, फिर भी पबजी वाले नल्ले पीठ पीछे भोगता है। तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ, कि तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। तू बेटा अभी अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से खराब हूँ। मेरा यही पबजी वालों के लिए, पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, कि पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, फ्री फायर में घुसकर मार दे ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। कहती बात कर लो बोलूंगी ट्रू, मैंने कहा मेरे माइंड का हिला नहीं स्क्रू, कहती मुझे भी प्यार करा करो, दोस्तों साथ रहते हो क्यों, मैंने कहा ओ हेलो मैं तो जानता नहीं तेरे को कौन है तू। आज देखते हैं फ्री फायर लवर्स ज्यादा है या पबजी लवर्स, तो कमेंट बॉक्स में रेड कलर के हार्ट पबजी लवर्स को भेजने और ब्लू कलर के हार्ट फ्री फायर लवर्स को भेजने, तो जल्दी से ढेर लगा दो, देखते हैं किस कलर। ये वीडियो फ्री फायर लवर्स के लिए, या मैंने सुना है कि पबजी वाले कहते हैं कि हमारा स्क्वाड बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि फ्री फायर वाले बंदे कहते हैं कि हमसे एक बार मिलके तो देखो हम। अरे वो कर नहीं रहे थे मेरी बात पर यकीन, फिर क्या हुआ? अरे फिर मर कर दिखाना पड़ा। तेनू समझ बैठा सी मैं जिंदगी तू। कि पबजी वापस आ रहा है जनाब, तो हमें उससे क्या, हमें ना ही पबजी में इंटरेस्ट था और ना ही रहेगा, हम फ्री फायर वाले हैं, हमें लेटने का कोई शौक ही नहीं है, समझ रहे हो? उड़ता पंजाब। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राना। हाँ नहीं कहते, राना कुंजी कहते हैं। पूरे 2 साल लगे इस आईडी को प्रो बनाने में, और कोई नूब आके मेरे को नूब बोल जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।